नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। 2017 में पटना ने बहुत कुछ सुना है, अब पटना बोलेगा, अब बोलने की आदत डाल लीजिए। इसलिए आ रहा है आज से न्यूज बिहार पे बोल पटना बोल। और आज हम इस शो की शुरुआत करेंगे। मैं हूं शशांक और ये हैं पूजा कुमारी और आप देखेंगे बोल पटना बोल। आज से पटना बोलने की आदत डाल लीजिए। भगत महिला कॉलेज जो है उसकी जो नई प्रिंसिपल आई है शशि शर्मा, उनका कहना है कि लड़कियां अगर अभी से अगर लिपस्टिक लगाती हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती हैं तो उनका समय से पहले उनकी उम्र ढल जाएगी। आइए इसी मैटर पे पूछते हैं, लोगों का ओपिनियन जानते हैं, लड़कियों का ओपिनियन जानते हैं, स्टूडेंट का ओपिनियन जानते हैं, क्या है बोल पटना बोल से। आप लिपस्टिक लगाती हैं? ऑब्वियसली लगाते हैं। आपके मम्मी पापा ने कभी कहा कि आप लिपस्टिक लगाती हैं तो लगती नहीं कि स्टूडेंट है? ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम में सब कुछ ठीक है। आप जींस पहनती हैं? हाँ, ऑब्वियसली पहनेंगे। आपकी मम्मी पापा ने कभी रोका नहीं होगा? कभी नहीं। भगत महिला कॉलेज की जो मम्मी है उनका कहना है कि अगर लड़कियां लिपस्टिक लगाएंगी तो समय से पहले बूढ़ी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, उनके घर में बेटी नहीं है क्या? पहले वो चेक कर ले, वो भी तो लिपस्टिक लगाती होगी, वो भी जींस पहनती होंगी, कभी वो भी जींस पहनेंगी। तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि जींस पहनने से नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कहलाएगा या उसका एज खराब हो जाएगा लिपस्टिक लगाने से, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और आप अगर जींस पहन के आती हैं तो कभी मम्मी ने ये कहा है कि नहीं कि आप जींस पहन के जाती हो तो बेटा जींस पहन के जाती हो तो फील नहीं होता है कि आप स्टूडेंट हो? ऐसा कभी मैंने मम्मी पापा ने नहीं बोला। लेकिन उस प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर लड़कियां जींस पहन के आती हैं तो अंदर से फील नहीं होता है कि वो स्टूडेंट है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला वो तो वही बता सकती है। नहीं, वो उनका ये तो गलत है क्योंकि हर के पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि आप फ्री हो, हर कुछ कर सकते हो, और आज के टाइम में जींस पहनना कोई बड़ा इशू तो है नहीं। नहीं, उनको कॉलेज में ड्रेस कोड लाना है तो वो ऐसे भी बता सकती थी कि कॉलेज में ड्रेस कोड लाना था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां जींस पहन के आती हैं तो अंदर से फील नहीं होता है कि वो स्टूडेंट है। तो इसके लिए तो ये तो मैम से ही पूछना पड़ेगा ये ऐसा क्यों बोली, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पहनने से आपको अगर ड्रेस रखना है तो ड्रेस कोड रखिए, वो चलेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जीन्स का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे घर से कोई ऐसा अलाउ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैम को अपना सोच बदलना चाहिए? ऑब्वियसली आज के टाइम में तो उनको सोच बदलना चाहिए। मैम, क्या आप लिपस्टिक लगाते हैं ये बताइए? आप मैम, जब आप लिपस्टिक लगाती हैं तो आपकी मम्मी का क्या कहना है? मम्मी का कहना होता है कि अभी से ज़्यादा मेकअप मत करो, इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पार्टी फंक्शन में यूज़ करते हैं। मैम, जींस तो आप पहनती हैं? हाँ, पहनते हैं। और जींस पहन के पढ़ने भी जाती हैं? हाँ। तो उस समय मम्मी पापा का क्या ओपिनियन रहता है? मम्मी पापा का ओपिनियन कुछ नहीं है, मम्मी पापा भी चाहते हैं हम लोग जींस पहने, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मगध महिला कॉलेज की जो मम्मी है उनको ये अच्छा नहीं है कि लड़कियां जींस पहन के आए, अगर वो जींस पहन के जाती हैं तो उनको पछता नहीं है कि लड़कियां स्टूडेंट है? मम्मी लोग को सब पसंद आता है, बट मम्मी लोग भी अपनी बेटी की सेफ्टी देखती है कि हाँ बेटी, मतलब उन लोगों के लगता है कि आप बेटी का किस तरह से केयर कर रहे हैं, हम उन लोगों को लगता है कि अपने बेटी का केयर कर रहे हैं। लेकिन जो मगध महिला की जो प्रिंसिपल बनी अभी नई नई है शशि शर्मा, उनका कहना है कि अगर लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं तो उनका लिप का असली का कलर चला जाता है, और जींस पहन के आती हैं पढ़ने तो फील नहीं होता है, अंदर से फील नहीं होता है कि वो स्टूडेंट है और हम टीचर हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें जिसको कंफर्टेबल लगता है वो वही पहन के जाएगा ना, उसमें उसको ही कंफर्टेबल फील होता है। मतलब जिसको जिसमें कंफर्टेबल फील हो उसको। आपके मम्मी पापा ने कभी ऐसा रोका है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। और कभी ऐसा किसी टीचर ने कहा है कि नहीं कि आप पहन जींस पहन के आती हैं? तो कभी नहीं, टीचर्स से बोलते जो जिसमें जो कंफर्टेबल है वही पहन के। तो आपका क्या मानना है मैम कि ये सही है या गलत? नहीं, गलत पहनना चाहिए, जनरेशन के हिसाब से मम्मी पापा को भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है तो लड़के को थिंकिंग अपना सुधारना पड़ेगा, क्योंकि लड़के लोग कुछ ऐसे होते हैं जिस वजह से पेरेंट्स ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हाँ लड़के को जींस नहीं पहनना, टॉप नहीं पहनना। मैम का ओपिनियन की मैम क्या सोचती हैं, मैम आपको क्या लगता है प्रोफेसर ने सही कहा या गलत? नहीं, सही कहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है प्रोफेसर ने क्यों कहा? इसलिए कि उसमें ज़्यादा केमिकल रहता है, केमिकल से लगाने से लड़कियों का स्किन है, ओट है, वो सब खराब हो जाता है। हम लोग का हो जाता है, हम लोग खुद बहुत कम यूज करते हैं। और मैम ने ये भी बोला है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, तो आपको क्या लगता है जीन्स नहीं पहनना चाहिए, जीन्स पहन के कॉलेज नहीं जाना चाहिए? जीन्स पहनना चाहिए, बसरते कि वैसा जींस हो कि ताकि थोड़ा ऊंचा तक हो, एकदम आजकल लोअर जो पहनती है वो नहीं पहनना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो हमने जाना कि मैम एक हिसाब से सहमत हैं और दूसरी बात से सहमत नहीं हैं, यानी लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि लिप्स के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।
और हम और कुछ लोगों के ओपिनियंस जानेंगे। आपने मगन महिला की प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, उन्होंने बोला है कि लड़कियों को लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, तो आपको क्या लगता है वो सही बोली या गलत? गलत है, लड़कियों को हर एक चीज़ करना चाहिए। लड़कियों को हर एक चीज़ कर सकती है अपना। तो आपके हिसाब से आपकी मम्मी कभी आपको इस चीज़ के लिए रोक टोक की? नहीं, आपकी मम्मी ने रोक टोक नहीं किया, धन्यवाद। तो हमने देखा कि लड़कियों के एक मम्मी ने उन्हें नहीं रोका है, लड़कियों के घर वालों ने उन्हें नहीं रोका है, लेकिन मगत महिला की मम्मी ने उन्हें रोक लिया है और बोला है आप लिपस्टिक नहीं लगा सकती, लिपस्टिक लगाकर कॉलेज में आना बैन है। आई थिंक लिपस्टिक लगाना तो मतलब कि कॉमन चीज है, इससे स्टूडेंट क्या मतलब कि पढ़ते हैं तो फिर स्टूडेंट ही लगाएंगे, इससे मेकअप सब कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ही रहेंगे ना। और जींस पहन के अगर लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो टीचर को फील नहीं होता है कि वो स्टूडेंट है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि जींस आजकल सभी पहनते हैं लोग। तो उन प्रिंसिपल उनका कहना है कि अगर लड़कियां जींस पहन के आती हैं तो टीचर को अंदर से फील नहीं होता है, पछता नहीं है कि वो स्टूडेंट है? हाँ, तो नहीं पछता तो हम क्या कर सकते, मतलब कि जींस तो कॉमन चीज़ है, सब लोग पहनता ही है आजकल, तो उस बारे में तो नहीं कुछ कर। अच्छा, आपके मम्मी पापा ने कभी कहा कि नहीं कि जींस पहन के जा रही हो स्टूडेंट नहीं लगोगी? नहीं, मम्मी पापा आज तक नहीं। या मम्मी ने कहा हो लिपस्टिक मत लगाओ, मेकअप मत लगाओ, स्टूडेंट नहीं लगोगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे नियम का मम्मी पापा ने भी। अगर आपको किसी टीचर ने कहे, अगर कोई टीचर आपको बोले कि आप लिपस्टिक लगा रही हैं तो आप समय से पहले बूढ़ी हो जाएंगी या ये मेकअप लगाएं, तो उस बात को फॉलो करेंगे आप? नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। आप नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे? चलिए, इनका भी देखिए, इनका भी कहना है कि अगर ये अपनी फैमिली इनका अगर नहीं बोल रहा है कि लिपस्टिक मत लगाओ, जींस मत पहनो, जींस पहन के कॉलेज मत जाओ, लिपस्टिक लगा कर, हाँ एक ड्रेस कोड मायने रखता है कि अगर आपको ड्रेस कोड लाना है तो आप जाइए स्टूडेंट के बीच में जाइए और बोलिए कि एक ड्रेस कोड है, इसको फॉलो करिए, ना कि ये बोलें कि जींस पहन के आने से ऐसा नहीं लगता कि वो स्टूडेंट है और पछता नहीं है कि वो स्टूडेंट है, लिपस्टिक लगाने से ये नहीं लगता है कि वो स्टूडेंट है। तो आइए और भी लोगों से जानेंगे, और भी स्टूडेंट से जानेंगे कि क्या है उनका ओपिनियन। गलत बात है, स्टूडेंट को जींस कैसे पहनना चाहिए, मतलब कम से कम 18 एबव होना चाहिए, अपना है वो अपना ड्रेस अप होना चाहिए और क्या। तो जैसा कि आप बोल पटना बोल में पब्लिक ओपिनियन, आइए हम बात करते हैं कुछ लड़कों से। स्टूडेंट को तो यूनिफॉर्म में कॉलेज या स्कूल जाना चाहिए, ये गलत बात है कि अपने जींस में जा रहे हैं, आपने अकॉर्डिंग ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अब वो तो स्टूडेंट और टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर क्या समझते हैं स्टूडेंट को, ठीक है, यही है और क्या। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि वो टीचर समझते हैं कि स्टूडेंट और टीचर। प्रोफेसर शशि शर्मा के बारे में तो सुना ही होगा, उनके हिसाब से अगर हम चले तो उनका मानना है कि लड़कियों को जीन्स कॉलेज में पहनकर नहीं जाना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात कि लड़कियों को लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों से हम जानते हैं मगध महिला की प्रिंसिपल ने ये रूल निकाला है कि कॉलेज में लिपस्टिक लगाकर नहीं जाना है, तो आपको क्या लगता है मगध महिला की प्रोफेसर सही है या गलत? आई थिंक सही है, लिपस्टिक लगाना जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप लिपस्टिक लगाओ, आप सिंपल भी जा सकते हो। उनका ये भी मानना है कि आपको जीन्स पहन के कॉलेज नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये नहीं है, ड्रेसिंग सेंस में नहीं होना चाहिए, यू शुड बी कवर्ड, बट ये नहीं होना है कि आप जीन्स ना पहनो और सूट पहनो। और आपका क्या ओपिनियन है? यस मैम, दैट्स नॉट अ थिंग, वी आर नॉट वेयर द जीन्स, दिस इज नॉट अ रूल। ओके, तो हम लोगों ने जाना कि लिपस्टिक लगा कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप लिपस्टिक लगा के नहीं जा सकते, हाँ लेकिन आप जीन्स में, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं तो लोग का ऐसा मानना है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि आप जीन्स अगर पहने हैं तो वो आपका कंफर्टेबल लेवल आपका क्या है उस हिसाब से आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। लड़कियों को बोला जाए कि तुम जीन्स पहनती हो तो लगता नहीं है कि तुम स्टूडेंट हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो मगध महिला की जो प्रिंसिपल है, नई नई जो प्रिंसिपल बनी है, उनका कहना है कि अगर लड़कियां जींस पहन के आती हैं तो अंदर से फील नहीं होता है कि वो स्टूडेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है फिलहाल तो जी, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उनके लिए कुछ टाइम देना चाहिए उन्हें फिर जी, उनका सोच थोड़ा सा वो पुराने ख्याल के लग रही है मुझे थोड़ा सा, हाँ इसके लिए उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, मैम की सोच को बदलना पड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि लड़कियां लिपस्टिक लगाएंगी तो समय से पहली बूढ़ी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्या पहले लिपस्टिक नहीं था क्या?
और उन्होंने एक एज निर्धारित किया है कि 50 साल के बाद लड़कियां लिपस्टिक लगाएंगी और उसके पहले नहीं लगा सकती हैं। उनके पहले अगर वो लगाएंगी तो उनका लिप का जो असली का कलर है वो चला जाएगा और उनका न्यूज नेचुरल ब्यूटी नज़र नहीं आएगा। जी नहीं, एक्चुअली मैम आपको बता दूँ, क्लियर सही कर दूँ मैं थोड़ा सा, कि तो फिर वो कब करेंगे वो पॉलिसीज? वो अभी नहीं करेंगे, अभी यंग एज में है वो, तो फिर कब करेंगे वो? आफ्टर 52 तो वो ओल्ड एज में आ जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि जैसे कि लड़कियां अपना आधा करियर मेकअप करने पे जो बर्बाद कर रही हैं, अपना करियर पे फोकस करें। जी नहीं, अब एक्चुअली मैं बता दूँ, आप देखो आज ट्रेंड बदल चुका है थोड़ा सा अब, तो फिर वो ब्यूटी कंटेक्स्ट क्यों होता है फिर? वहाँ भी तो करियर है लोगों का, इसको बंद करना चाहिए ना लोगों को। तो मैम की सोच पुरानी है, उसको बदलना, उनकी सोच पुरानी है, उनको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर स्कूल में बोल रहा है तो नहीं लगाना चाहिए, डिसिप्लिन तो यही कहते हैं ना। और कॉलेज की प्रोफेसर का ये भी कहना है कि लड़कियों को जीन्स भी नहीं पहनना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या है सही? फ्रीडम तो नहीं छीनना चाहिए, बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। थैंक यू। हाँ, कपड़े पहनने की तो उसकी, हाँ वल्गर ड्रेस नहीं होनी चाहिए, पर जीन्स नहीं पहने ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम ने बताया कि ड्रेस वल्गर नहीं होना चाहिए। मैम, मगध महिला की प्रिंसिपल ने बोला है कि लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, आपको क्या लगता है? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, इनके हिसाब से लिपस्टिक लगाना चाहिए क्योंकि इन्होंने लगा रखा था। तो पब्लिक ओपिनियन में हम और भी स्टूडेंट से सवाल पूछेंगे। क्या मैम आप लिपस्टिक लगाती है? सिंपल से सवाल। हाँ। जींस पहनती हैं? या? क्या आपके मम्मी पापा ने ये कभी कहा है कि आप लिपस्टिक लगाती हो या जींस पहनती हो तो आप स्टूडेंट नहीं हो? नहीं, ऐसे नहीं कहा। लेकिन मगध महिला की जो मम्मी है, यानी कि जो उनकी नई प्रिंसिपल बनी है शशि शर्मा, उनका कहना है कि लिपस्टिक लगाती हैं लड़कियां या जींस पहनती हैं वो छात्र, अंदर से फील नहीं होता है कि वो छात्र है। नहीं, ये तो गलत बात है ना, छात्र बनने के लिए ज़रूरी नहीं जो हम जो लिपस्टिक लगा रही है जींस पहने, तो इससे वो नहीं बता सकते। जहाँ हम बता सकते हैं कि ये स्टूडेंट है या नहीं, वो हमारे एजुकेशन तो सही नहीं कर सकते हैं ना, उस पर उनका हक नहीं है, ये वो हमारा लाइफ है, हम कैसे भी उसको इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग फ्रीडम मिला हुआ है कि हम लोग कैसे भी हम अपने फ्रीडम को जी सकते हैं, फ्रीडम मिला है तो हम लोग जी सकते हैं उस फ्रीडम को। और भी है, उन्होंने मेकअप और ये लिपस्टिक लगाने का एक एज निर्धारित किया, 50 साल के बाद लड़कियां मेकअप और ये लिपस्टिक लगा सकती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ कहीं भी आधी लाइफ बर्बाद ही हो जाएगी, फिर इंजॉय क्या बचा? हम लोग का इस एज ही है जो अभी इंजॉय कर सकते हैं। और भी उनका कहना है कि अगर लड़कियां अभी से लिपस्टिक लगाएंगी या मेकअप करेंगी तो अपना वो आधा कैरियर इसमें बर्बाद कर रही हैं, लिपस्टिक मेकअप करने में। इसमें कैरियर बर्बाद होने वाली कौन सी बात है, इसमें हमको तो कैरियर बर्बाद होता नहीं दिख रहा है। ऐसे भी हम लोग मेकअप में पूरा टाइम नहीं देते, बस वो 5 मिनट का काम रहता है, उसके बाद दिन भर हम लोग का नहीं लगता, 5 सेकेंड या 6 सेकेंड बस मेकअप करने में। चलिए, थैंक यू मैम। ये सबका लड़कियों का कहना है कि जब उनको फ्रीडम मिल चुका है तो कोई उन्हें ये ना बताए कि वो लिपस्टिक लगा के पढ़ने ना आए या जींस पहन के पढ़ने ना आए। एक ड्रेस कोड लाना एक अच्छी बात है, ड्रेस कोड लाएं, आप स्टूडेंट से जाके बोलें कि आप एक ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड को आप फॉलो करें, लेकिन ये बताना कि आप लिपस्टिक ना लगाएं, आप मेकअप ना करें, ये गलत बात है। लिपस्टिक लगाना नहीं लगाना कौन सा मैटर है, लिपस्टिक लगाने से कुछ भी नहीं होता और लगाने से भी कुछ नहीं, सोच बदलो सब बदलेगा। मैम उनका कहना है कि उसमें केमिकल होता है जिसके कारण वो एज से पहले ही बूढ़ी लगने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बूढ़ी लगाती है तो वो भी तो यंग लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, होता है। तो आपके मानने से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैम जीन्स पहनने में भी वो मना करती हैं, तो आपके हिसाब से? अब सोच बदलना चाहिए, अब जीन्स नहीं पहनो, ये नहीं पहनो, आप लोगों को कन्विंस कीजिए कि सोच बदलो ना, जीन्स लिपस्टिक कोई मायने नहीं रखता है। थैंक यू सो मच मैम। तो हमने कोई मायने नहीं रखता, अपने सोच को बदलने की जरूरत है। मैम आप लिपस्टिक लगाती हैं? नो। जीन्स पहनती हैं? यस। क्या आपके मम्मी पापा ने कहा है कि आप जीन्स पहनती हैं या लिपस्टिक लगाती हैं तो आप स्टूडेंट नहीं लगती हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। अगर हम अगर कॉलेज करने जाते हैं तो जो हमारे टीचर को पसंद है वो करें हम, तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, तो अब मम्मी पापा जब आपके नहीं बोलते तो टीचर अगर बोले, अगर आप घर से निकले जींस पहन के और टीचर बोले कि जींस पहन के आती हो तो अंदर से फील नहीं आता है कि तुम स्टूडेंट हो और हम टीचर हैं, तो टीचर की प्रॉब्लम है फिर, वो गलत है वहाँ पे, उनकी सोच बदलने। हाँ बिल्कुल, उनको चेंज होना पड़ेगा, अब वो पढ़ाते हैं, अब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग भी तो उनको काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट उनके अकॉर्डिंग करते हैं तो ऑफकोर्स उनको स्टूडेंट। और लिपस्टिक लगाने का एक एज उन्होंने निर्धारित किया है, उनका कहना है कि 50 वर्ष के बाद
लड़कियां लिपस्टिक लगा सकती है और मेकअप कर सकती है। उसके बाद वो लड़कियां कहां रही? तो उनका कहना ये है, उनका अब वो तो टीचर पे डिपेंड करता है, उनकी सोच को बदलना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स उनको बदलना पड़ेगा। आपने देखा पटना ने क्या बोला, 2017 में पटना ने बहुत कुछ सुना है और 2018 में पटना बोलेगा। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और आप भी आदत डाल लीजिए बोलने का। बोल पटना में बोल, हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे, बहुत सारे सवालों को लोगों से पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बोल पटना बोल, पटना क्या बोलता है और आपको भी बोलना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ शशांक, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बोल पटना बोल, न्यूज़ बिहार।